लॉकअप सीजन 1 में नजर आ चुकी पायल रोहतगी शो में रनअप रही हैं। अब उन्होंने इस शो के विनिंग मोमेंट को सेट पीआर गिमिक बताया है। उन्होंने एक लंबा पोस्ट शेयर किया है जिसके साथ उन्होंने कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। उन्होंने लिखा है, यह एक खराब पीआर गिमिक था, इसमें जॉबलेस कलाकारों को मुझे टारगेट करने के लिए कहा गया। मुझे यह बात कहनी है लॉकअप के लेजी विनर के बारे में। अगर वह उसके बारे में जानते थे और उन्होंने लॉकअप नामक शो देखा है तो उन्हें पायल के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी और वेड एस को का मतलब भी पता होना चाहिए। साल 1971 में आई मशहूर बॉलीवुड फिल्म आनंद एक बार फिर दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पर्दे पर प्रदर्शित की जाएगी। हाल ही में सामने आई खबरों के मुताबिक हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद का रीमेक बनाया जा रहा है। खबरों की माने दो फिल्म की रीमेक स्क्रिप्ट स्टेज तैयार है। हालांकि अभी तक इस फिल्म के निर्देशक को लेकर किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ है। समीर राज सिप्पी और विक्रम खाकर द्वारा निर्मित इस रीमेक फिल्म के बारे में अन्य विवरण अंडर रैप है। इस कल्ट क्लासिक फिल्म के रीमेक की खबर निश्चित रूप से लाखों दर्शकों के लिए खुशखबरी साबित होगी। साल 2020 में वेब सीरीज पंचायत रिलीज हुई थी जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला था। वहीं इस सीरीज का दूसरा सीजन 20 मई को रिलीज होने वाला था लेकिन अब इसे तय समय से 2 दिन पहले ही अमेजोन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया है। कोरोना का पहला लॉकडाउन जब लगा तो साल 2020 के अप्रैल महीने में पहली बार अमेजॉन प्राइम वीडियो पर पंचायत लगी। ग्राम प्रधान चूल्हे पर खाना बनाती दिखी, गांव वाले खुले में शौच करते दिखे, महिला सीट पर चुनी गई प्रधान के पति गांव की राजनीति चलाते दिखे और दिखे सचिव जी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कुछ बड़ा करने का सपना देखते देखते मैं गांव फुलेरा आ गई। फुलेरा से फकोली बाजार की मोटरसाइकिल यात्रा के बहाने सीरीज ने वह सब दिखाया जिसे देश में हुए विकास का असली आईना माना जा सकता है। बॉक्स ऑफिस पर बीते कई दिनों से ताबड़तोड़ कमाई का सिलसिला जारी है। साउथ सिनेमा से लेकर हिंदी फिल्मों तक अलग अलग भाषाओं में रिलीज हुई विभिन्न फिल्में एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। हालांकि एक बार कन्नड़ सुपरस्टार यश स्टारर KGF चैप्टर 2 इस रेस में बाजी मार रही है। मंगलवार को बेहतरीन प्रदर्शन के बाद यश की इस फिल्म के बुधवार को हुई कमाई के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। वहीं बीते दिनों सिनेमाघरों में रिलीज हुई साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म सरकारू वारी पाटा और बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर छिड़े विवाद के बीच बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना बुधवार को अपनी आने वाली फिल्म धाकड़ के प्रमोशन के लिए वाराणसी पहुंची हैं और यहां उन्होंने गंगा आरती में भी हिस्सा लिया, साथ ही महादेव की पूजा अर्चना की। कंगना रनौत ने कहा कि मथुरा के कण कण में भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या के कण कण में भगवान श्री राम है, वैसे ही काशी के कण कण में भगवान शिव है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव को किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वह तो यहाँ के कण कण में बसे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने हर हर महादेव का जयकारा भी लगाया।